हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी के बारे में, जो कि आप सभी के लिए मोदी सरकार करने जा रही है। दरअसल आपको बता रहे तो आत्महत्याओं पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ये बहुत बड़ा कड़ा फैसला हर एक किसान के हित में ले रही है, जिसके तहत सभी देशवासी किसानों का पूरा कर्ज यानी केसीसी माफ किया जाएगा। तो आज आपको इसी केसीसी माफी के बारे में जानकारी दी जाएगी, इसलिए आप ये वीडियो पूरा का पूरा देखते रहिए ध्यानपूर्वक लास्ट तक, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये जानकारी मिल जाए कि किस प्रकार से होगी प्रधानमंत्री की किसान कर्ज माफी। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि यदि आप कोई भी जानकारी कर्ज माफी या फिर किसान योजना की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हो जानकारी, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिसके लिए आपको वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको उसको दबाना है। और जैसे ही आप उस सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे तो पास ही में आ जाएगा एक घंटी का निशान, उसको भी आपको दबाना है, ताकि आपको प्रधानमंत्री किसान योजना और कर्ज माफी की जानकारी सबसे पहले मिले। और साथ ही में आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा, और इस वीडियो को अपना सपोर्ट भी जरूर दीजिएगा, ताकि ये जानकारी आपके भाइयों बहनों मित्रों के पास जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्ज माफी के बारे में, और आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आप सभी का होगा कर्ज माफ। तो मोदी सरकार किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला ले रही है कि सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ कर दिया जाए, और सभी किसानों को कर्ज से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाए। और इसी कारण मोदी सरकार बहुत ही बड़ी केंद्रीय स्तर पर सभी किसानों के लिए कर्ज माफी कर रही है। अब कैसे करिए, किस प्रकार से करिए, ये भी आपको देते हैं पूरी की पूरी जानकारी, और कब तक आप सभी का भी होगा कर्ज माफ ये भी आपको साथ में बता देते हैं। तो मोदी सरकार किसानों की पूरी तरह से समस्याओं का समाधान करना चाहती है, और किसानों की आत्महत्याओं पर अब लगाम लगाना चाहती है यानी अंकुश लगाना चाहती है, जिसके कारण मोदी सरकार एक बहुत बड़ा फैसला ले रही है कर्ज माफी का। क्योंकि पिछले 6 महीनों के हम आंकड़ों की बात करते हैं किसान आत्महत्या के, जिनमें प्रमुख कारण कर्ज माफी रहा है, और यदि हम कर्ज माफी के कारण जो आत्महत्या हुई है उनकी बात करते हैं, तो तकरीबन देश में हो चुके पिछले 6 महीनों में यानी गत 6 महीने में हुई है कुल मिलाकर 8,000 से भी ज्यादा जो आत्महत्या। और इसी कारण मोदी सरकार ये किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला ले रही है और सभी किसानों का कर्ज माफ करने वाली। अब देखते हैं कि किससे कर्ज माफी करने वाली है सभी किसानों की, और किन किन की कर्ज माफी करने वाली है। तो यहाँ पे बीजेपी के एक यहाँ पे प्रमुख सांसद हैं राजेंद्र राठौड़, जो कि कह रहे हैं कि कर्ज माफी नहीं होने से जो है किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बात कहते हुए उन्होंने यह कहा है कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार को कर्ज माफी अब करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान स्थिति में किसानों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी बात को फिर से यहाँ पे जो है विरोध वाले जो यानी कि कांग्रेस के कुछ नेता यह कह रहे हैं कि कर्ज माफी होनी चाहिए और केंद्र इसमें सहायता देनी चाहिए सभी राज्यों को, ताकि कर्ज माफी और ज्यादा हो। ये राजस्थान के कुछ यहां पे मुख्यमंत्रियों और जो है मंत्रियों ने कही है अपनी बात, जो कि कांग्रेस के हैं। यानी कि कुल मिलाकर बात यह सामने आई है कि मोदी सरकार की कर्ज माफी अब हर एक किसान चाहता है, और अब हर एक जो है यहाँ पे नेता भी चाहता है, चाहे वो भाजपा का हो या फिर किसी अन्य दल का भी क्यों ना हो, वह हर एक किसान चाह रहा है कि कर्ज माफी होनी चाहिए। और आपको बताएं तो पिछले कुछ दिनों से ऐसी स्थिति बनी आ रही है सामने कि मोदी सरकार को कर्ज माफी अब करनी ही होगी, क्योंकि कुछ विपक्षी दल जो कि अपनी मांग और भी ज़्यादा किसान कर्ज माफी को लेकर बढ़ा रहे हैं। और इसी का एक उदाहरण आपको दे देते हैं निर्दलीय के विधायक की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के कर्ज को अपना कर्ज बताया था, लेकिन अब जो है यहाँ पे विपक्ष यानी कि मोदी सरकार यह कह रहा है कि किसानों की जो है कर्ज माफी के कारण आत्महत्या नहीं हो रही, और ये बात कही गई है। और उन्होंने देखिए क्या कहा है निर्दलीय के विधायक ने कि कर्ज माफी को यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि कर्ज माफी के कारण किसानों की आत्महत्या नहीं हो रही, बल्कि निर्दलीय के विधायक क्या कह रहे हैं कि कर्ज माफी के कारण ही जो है यहाँ पे आत्महत्या हो रही है। ये बात कहते हुए निर्दलीय के विधायक ने कर्ज माफी की मांग उठाई है।
और वहीं देखिए विपक्षों ने यह कहा है कि उद्योगों की तरह ही जो है किसानों का भी पूरा का पूरा कर्ज माफ किया जाना चाहिए, ताकि किसान भी उसी प्रकार खुश रहे जिस प्रकार उद्योगपति खुश है, और हमारे लिए अन्नदाता बहुत जरूरी है। इसी कारण उन्होंने ये बात कही है और उन्होंने कहा है कि अन्नदाता को अब राहत भी देनी पड़ेगी मोदी सरकार को, और केंद्र सरकार सभी किसानों के लिए कर्ज माफी करेगी बहुत जल्द, ताकि किसानों की आत्महत्या को कम किया जा सके। और इस प्रकार से ये बात बहुत बड़ी कही है यहाँ पे जो है निर्दलीय के विधायकों ने और विपक्षी दलों ने। और वहीं कुछ कांग्रेस के नेताओं ने यह कह दिया है कि ये देखिए आंकड़े, यानी कि उन्होंने आत्महत्या के आंकड़े भी बता दिए कि किस प्रकार से आत्महत्या हुई है पिछले 1 से 6 महीनों के भीतर, जिनमें आंकड़े बेहद ही ऊपर चले गए हैं 1000 से। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी तकरीबन जो है 1300 किसानों ने आत्महत्या की है, और वहीं इसके अलावा जो है 6 महीनों के भीतर जो है महाराष्ट्र के 1300 किसानों ने आत्महत्या की है। और ये आंकड़े ये बताते हैं कि किस प्रकार से किसानों की कर्ज से मुक्ति न मिलने के कारण आत्महत्या हो रही है। तो इस प्रकार से यह बात कही है कांग्रेस के कुछ मंत्रियों ने, और यही बात आंकड़े बताते हुए उन्होंने कर्ज माफी करने को कहा है और कहा है कि इस आत्महत्या पर कर्ज माफी से लगाम और अंकुश लगाया जा सकता है। और आपको बताएं तो कार्य मंत्री जो है संसदीय शांति धारीवाल ने यह कहा है कि जवाब देना चाहिए इन घटनाओं का, और इन पर स्थिति मोदी सरकार को पूरी तरह से साफ करनी चाहिए। और वहीं इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे उठे इस विधानसभा सत्र के दौरान, यहाँ पे किसान कर्ज माफी और किसान योजना को लेकर, और कुछ नेताओं ने यह कहा है कि यहाँ पर किसानों के खुशहाली की बात हो रही है, ना कि किसानों का मजाक बनाया जा रहा है। इसलिए आप ये बात करिए कि किसान को कैसे खुश किया जाए उसी की अभी बात करें, और किसान को किस प्रकार से कर्ज के दलदल से हटाया जाए इस प्रकार की अभी बात करें, ताकि हम मोदी सरकार से आग्रह कर सके कि ऐसे हम कर्ज माफी कर सकते हैं, इस प्रकार से हम कर्ज के दलदल से किसान को बांट सकते हैं। तो ये बात भी कही है कुछ यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी के सामने, और कहा है कि यहाँ पे मोदी सरकार को कर्ज माफी करनी चाहिए सभी किसानों के लिए। और वहीं कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस ने कुछ स्थानों पर धरना भी दे दिया है और कहा है कि यहाँ पर कर्ज माफी होनी चाहिए किसान भाइयों के लिए, सभी किसान भाइयों बहनों माताओं को जो है कर्ज माफी का लाभ मिलना चाहिए और उनको कर्ज के दलदल से उबारना चाहिए मोदी सरकार के द्वारा। तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा धरना हो चुका है जिसमें कई सांसद भी आ चुके हैं और कांग्रेस के कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आ चुके हैं इस जो है धरने में भाग लेने के लिए, और उनकी मांग यही है कि कर्ज माफी जैसी बड़ी बड़ी समस्या का समाधान मोदी सरकार के द्वारा किसानों के लिए किया जाना चाहिए। उनका कहना यह है कि कर्ज माफी के साथ ही जो है मजदूर किसान युवा जिससे बड़े बड़े वर्गों को पूरी तरह से सरवारा करके यहाँ पे लाभ दिया जाए, हित के लिए लाभ दिया जाए, ऐसा उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि कर्ज माफी समेत हर एक मोर्चे पर जो है कांग्रेस ने किसानों के साथ यहां पे जो है खड़ी रही है, और इसी प्रकार बीजेपी को भी साथ खड़ा रहना चाहिए हर मोर्चे पर। तो इस प्रकार से यानी कि बात यह है कि कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस और जो विपक्षी दल है वह मोदी सरकार को बार बार यह कह रहे हैं कि कर्ज माफी को करना ही चाहिए। इसके अलावा बीजेपी के मंत्री भी अधिकतर यह कह रहे हैं कि कर्ज माफी करना ही चाहिए ताकि किसानों की आत्महत्या पर लगाम लगा दी जाए पूरी तरह से और किसानों की आत्महत्या को रोक दिया जाए। तो इस प्रकार से यह थी खास रिपोर्ट किसान कर्ज माफी को लेकर, जिसके तहत ये पूरी तरह से बात क्लियर है कि किसानों की आत्महत्या को अब मोदी सरकार कम करना चाहिए, क्योंकि दर बदर जो है हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे। अभी हम बात करते हैं तो यहां पर लगभग एक दिन के अंदर ही जो किसानों की आत्महत्या की स्थिति है वह बेहद ही खराब होती जा रही है, और किसान लगभग एक दिन में जो है 15 से 20 ऐसे होंगे जो आत्महत्या करते हैं, और इसी कारण जो है मोदी सरकार अब किसानों की आत्महत्या पर अंकुश लगाना चाहती है, और इसी कारण कर्ज माफी पर एक बहुत बड़ा यहां पे विकल्प खोज रही है कि किस प्रकार से कर्ज माफी को करना चाहिए केंद्रीय स्तर पर। तो इस प्रकार से यह थी पूरी की पूरी कर्ज माफी को लेकर रिपोर्ट जो कि आपके समक्ष रख दिए अभी हमने आपको। अब देखते हैं कि इस रिपोर्ट से आपको क्या समझ आया। तो देखिए इस रिपोर्ट से हमको यह समझ आ जाता है पूरी तरह से कि यहाँ पे मोदी सरकार किसानों की जो है आत्महत्या को पूरी तरह से कम करना चाहती है, और यहाँ पे पूरी तरह से कहा जाए तो लगाम ही लगाना चाहती है, और इसी कारण जो है कर्ज माफी करने वाली है, क्योंकि कर्ज माफी न करने का कारण किसान अपनी आत्महत्या करे और किसान आत्महत्या के दर पर जा रहे, आत्महत्या का रास्ता खटखटा रहे। इसी कारण जो है मोदी
सरकार अब यहाँ पे कर्ज माफी करने वाली है सभी किसानों की। तो इस प्रकार से यह बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि मोदी सरकार सभी किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला ले रही है और सभी किसानों का पूरा कर्ज माफ कर रही है। तो यही थी आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी और किसान योजना को लेकर आप सभी के लिए आई थी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही में आप इस वीडियो को शेयर भी अवश्य करिएगा ताकि ये जानकारी आपके भाइयों बहनों मित्रों जो भी है उनके भी पास पहुंचे और वह भी इस कर्ज माफी का लाभ और कर्ज माफी की जानकारी प्राप्त कर ले। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही शेयर भी अवश्य करिएगा और साथ ही में ये पूरे देश के किसानों के लिए खुशखबरी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आगे भी ऐसी पूरे देश के किसानों के लिए और बड़ी बड़ी जो खुशखबरी आती है वह सबसे पहले मिले। इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिए और पास ही में आ रहे बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे पूरे देश के किसानों के लिए जो बड़ी बड़ी खुशखबरी आए उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो आपका इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में बस नहीं था, फिर से कह देता कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।